अस्सलाम वालेकुम गोलू, कैसी हो? अरे 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 अरे, आजकल ये बहुत बदतमीज होगी, मेरे साथ बात नहीं करती। बस मैं अबू बकर का अबू। कैसी हो मेरे प्यारे बेटे? तबीयत से ठीक है? तुमसे किसी ने पूछा है बस, अब तुम मेरी बेटी नहीं हो, मेरा बेटा अबू बकर है। हाँ हाँ, नीचे उतरो, नीचे इधर दिखो, एक मिनट ये दिखो। कहाँ कश्मीर जा रही हो? ये किसकी? अब भैया की जूती है। चलो कोई बात नहीं, चले भैया, आज मैं अभी फिर से ट्राई कर रहा हूँ इसको स्टार्ट करने की, ये शायद हो जाए। एक मिनट स्टार्ट तो करने दो। अरे अरे अरे, पेट्रोल है इसमें बेटा, क्या यार, बाइक जो है ना खराब है। बाइक इंशाल्लाह बनवाएंगे अभी। कैसे बनेगा? जादू से बनेगा। चलो चलो आ जाओ, बैठो बैठो बैठो, चलो तो चले चलो 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 तो चलें जी। अल्हम्दुलिल्लाह, रूम जो है ना अब कलर शलर सूखने के बाद कुछ इस टाइप का लग रहा है। ठीक है, तो अभी जो है ना मैं बस जाता हूँ, नाश्ता शाश्ता करता हूँ, और टाइम भी बहुत हो गया और आज तबीयत बिल्कुल नेक्स्ट लेवल वाला ख़राब है। अच्छा, काफ़ी लोग कमेंट कर रहे थे कि भाई ये ऑयल पेंट नहीं है भाई, ये चूना है नॉर्मल, तो इसकी खुशबू वगैरह नहीं होती, बदबू वगैरह जो होती है ना वो नहीं होती, उससे आपको सांस की तकलीफ नहीं होती। सिर्फ ऑयल पेंट जो है ना वो टीयर और गार्डर पे कर रहा हूँ, उसके अलावा नहीं, और वो भी कल से हमारे पास बना हुआ है, क्योंकि पहले एक कोट किया था, अब वही करूँगा, ये ना वो ख़राब हो जाए क्योंकि सूख जाएगा। तो बाकी जो है ना सारा ऐसे चूना कर रहा हूँ, सफ़ेद सीमेंट जिसे बोलते हैं वो कर रहा हूँ, और एक बाल्टी ली थी सिर्फ उसकी, और उसकी बदबू वगैरह नहीं होती इतनी, तो ये नॉर्मल चूना ही है। तो अभी चलते हैं, वाइफ जो है ना वो खाना शाना पका रही है, और देखते हैं क्या पका रही है भाई। ये क्या है भाई? ये आलू। आलू का सालन है? ये क्या है? वो दाल है। दाल है भाई। जल्दी जल्दी अब नाश्ता करते हैं, क्योंकि 11 का टाइम हो गया है और मेरी तबीयत ख़राब होने की वजह से मैं नहीं उठ सका। बच्चों को स्कूल छोड़ा है बस, उसके बाद आके लेट गया था थोड़ी देर। मैंने कहा तबीयत जो है ना सेट हो जाए फिर उठूँगा और रंग शंग जो है ना कंप्लीट करूँ आज, क्योंकि भाई एक ही चीज़ अच्छा नहीं लग रहा। जल्दी जल्दी ख़त्म करूँ, फिर और भी चीज़ें बहुत सारी करनी है। तो नाश्ता करते हैं, वाइफ भी आने वाली है, वो किचन में ही है अभी, तो आ जाए फिर नाश्ता शुरू करते हैं एक साथ बैठ के। चलिए भाई, नाश्ते में आज हमारे पास दाल भी है, और कल वाली सेवियाँ जो मज़ेदार हमने पकाई थी वो भी है, और साथ में कल मेरी वाइफ ने भाभी लोगों को जो सालन बना के दिया था आलू और मटर का, वो भी है। तो अभी भी वाइफ फिर से चली गई, पता नहीं अब फिर क्या करने गई है, आई थिंक चाय वगैरह रखने गई होंगी या कुछ और। तो आ जाए फिर, उसके बाद ही हम खाना खाएंगे, क्योंकि वेट चल कर रहा हूँ वाइफ का, क्योंकि एक साथ खाने का मज़ा ही कुछ और है। तो चलें भाई, वाइफ भी आ चुकी है, तो अभी खाना खाते हैं भाई। आपका वेट कर रहा था मैं कि एक साथ खाना खाएंगे, चलें बिस्मिल्लाह करें अभी। हाँ, तो हमेशा हम इकट्ठे खाते हैं, बच्चे फिर भी कभी अलग खा लेते हैं, लेकिन हम दोनों हमेशा जब से शादी हुई है एक साथ ही खाना खाते हैं। हाँ, मैं इधर उधर हूँ तो फिर अलग बात है, वरना जब घर होता हूँ तो एक साथ ही खाना खाते हैं। फराज भाई ने ना साग दे के पहुँचाया है सुबह, यहाँ रख के चले गए, क्योंकि डोर लॉक था तो रख के चले गए, ऊपर अनाया कीजिए एक शर्ट पड़ी हुई थी वो दे दी, और अभी मैंने कॉल किए तो बता रहे कि भाई साग पड़ा है उठा लेना। अभी जो है ना 11:40 हो रहे हैं, फराज भाई की कॉल आई थी कि बच्चों को उठा लेना, तो इसी वजह से मैं आज कलर भी नहीं शुरू कर सका। फिर आते हैं बच्चों को ले आता हूँ, फिर उसके बाद कलर जो है ना वो शुरू करते हैं, और देखते हैं क्या सीन होता है। तो चले फिर मिलते हैं आपसे। गोलू इधर देखना, ये देखो ये क्या है, और गोलू ये क्या किया है, इसको किसने लगवाई है लिपस्टिक? हमने लंग क्लास को ये वाला। अरे भोले। तो चले भाई अभी हम घर आ गए। गोलू यही तो यही मैं पूछ रहा हूँ, लंग, 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 रंग लगाए किसने लगवाया था, टीचर ने? नहीं। हाँ क्यों? नहीं, अल्लाह बख्श कौन है? शुक्रा। तो उसने क्यों लगवाया था, टीचर ने फिर कुछ नहीं बोला था? उसको पता नहीं होता। टीचर ने बोला है? हाँ, वो क्या बोल रहा है? ये पता नहीं कोई रेमेडी वगैरह बन रही है, दवाई वगैरह बन रही है। तो चले मैं अभी जो है ना अपने काम पे लगूं, यार मेरा काम जो है ना बहुत सारा रहता है। भाइयों और बहनों, आप जैसे देख रहे हैं कि भाई तीसरा दिन है और आपका भाई लगा हुआ है, अभी कंप्लीट नहीं हुआ, अभी भी काम जो है वो कम्प्लीट नहीं हुआ, तो भाई
आईली वाइफ और बच्चों की बात हाथ चलाओ ना जल्दी जल्दी बांधने से पहले ये देख लीजिएगा कि हालत मेरी तरह हो जानी है आपकी, जैसे मैंने पिछले ब्लॉग में बताया था। अगर शादी कर रहे हैं अच्छा तो कोई बात नहीं, एक दो दिन हफ्ता पूरा मुझे लग जाएगा रिकवर होने में। देखो कितना प्यारा लग रहा है कलर, चले जी। यहाँ जो है ना अभी हमारा कावा आ गया और अभी काम करते करते कावे को एंजॉय करते हैं और मस्त मॉल मिठे चौल तो अदरक वाला है तो इतू सा मैंने कर लिया है, बाकी कुछ साइडें इसकी रह गई हैं इस साइड वाली तो बस डोल दिया नीचे। तो चले अभी मैं कावा पी लूँ फिर उसके बाद आपसे मिलते हैं। सही से रंग करना। हाँ वही वही जहाँ कर रही थी। तो भाई मेरा दूसरा कोड भी लग गया था, अब यहाँ जो है ना तीसरा कोड भी मार दिया टीयर पे, गार्डरों पे नहीं मारा क्योंकि कलर हमारे पास थोड़ा सा बचा है। तो देखते हैं तीसरे कोड के बाद भी ये हो पाता है या नहीं, क्योंकि बिल्कुल अभी भी मुझे बुरा सा लग रहा है ये टीयर जो है। तो देखते अभी इधर से फिर मैं ये लास्ट है वहां तक जाऊंगा और तीसरा कोड मुकम्मल हो जाएगा टीयरों पे। तो जल्दी करते हैं। और गोलू यहाँ मुझे तंग कर रही थी तो मैंने इसे काम लगाया, ऐसे ही पानी पड़ा हुआ था, मैंने कहा यहाँ आप कलर कर लो, ये जगह बच गई थी कल। चलें जी अल्हम्दुलिल्लाह कुछ इस तरह से हमारा ऊपर वाला पोर्शन कम्प्लीट हो गया, यानी छत वगैरह। इसके ऊपर अभी बचा हुआ है वो बाद में देखेंगे, अगर जरूरत पड़ी तो इस गार्डर को और कर देंगे। बाकी इधर तीन कोड लग गए टीयरों पे तीन कोड कर दिए और टाइलों पे भी दो कोड मुकम्मल हो गए थे। बाकी गार्डर का एक कोड देखेंगे, अभी हमारे पास पड़ा हुआ है, बचा हुआ है थोड़ा सा। और बाकी जो है ना उधर मैंने देखे दूसरा कोड भी शुरू कर दिया है, तो अभी बस जल्दी ये कंप्लीट करते हैं और फिर इंशाल्लाह देखते हैं क्या सीन होगा। अभी ये बेड को भी हटाना था तो मैं अकेला हूं तो इसी वजह से इसको भी नहीं हटा पाई, ये भी बेचारा इधर ही पड़े पड़े ऐसे हो गया। तो इट्स ओके, कोई बात नहीं। तो जल्दी ये अभी कंप्लीट करते हैं फिर उसके बाद आपसे मिलते हैं इंशाल्लाह। लेकिन उससे पहले जो है ना हमें कुछ खुशबू आ रही है कि कैसे, जैसे ना कोई वाइफ जो है ना कुछ पका रही है। तो चलते हैं देखते हैं क्या पका रही है। भाई दरवाजा भी बंद कर दिया मुझे देख के, क्या सीन है भाई, कुछ पक रहा है क्या? क्या पक रहा है भाई, क्या पक रहा है भैया? ओहो ये पापड़, पाकिस्तान फूडीज, क्या लिखा हुआ एक मिनट, पाकिस्तान फूड्स। अच्छा चले जी, तो ये पापड़ पक रहे हैं आई थिंक, मैं ये भी बोलूं क्यों मुझे खुशबू सी आ रही है ऐसी, तो फिर पका के भेज दीजिएगा, अभी मैं जा रहा हूँ। मैं देखो ये कैटेगरी है मेरी। चले अभी चलते हैं वापस भाई। हाँ जो गोलू है ना, गोलू किस लिए बैठी हुई हो, पापड़ खाने? क्या हुआ, चलाओ चलाओ, कहाँ चढ़ा, इधर नहीं चढ़ने की जगह नहीं है। नहीं जाओ वो कुर्सी ले आओ, कुर्सी ले आओ ना। पहले भी मैं जा रहा था, वाइफ ने बोला है कि भाई दिखा के जाओ फिर उसके बाद चले जाना, तो मैंने कहा चले मैं जो है ना दिखा के ही जाऊंगा कि भाई क्या बन रहा है कैसे बन रहा है। अभी कितनी देर है, जल्दी करो, मुझे काम बहुत काम है भाई। तो चले भाई अब जो है ना ऑयल गर्म हो गया, नहीं हुआ अभी तक, हाय। अच्छा चले डाल दे, नहीं हो गया कर, वो देखिए वहां से नजर आ रहा है। बस थोड़े डाले, ये ज्यादा बड़े हो जाएंगे। हाँ पापा आपने क्या खाना है? पापा नहीं। अच्छा एक मिनट बिठाता हूँ। इसने भाई देखना था, अभी देख के क्या मिलेगा, या पकाना सीख लो, पता नहीं कब पकाना सीखोगी और मुझे खिलाओगी अपने हाथ की रोटी। तो चले भैया जो है ना हमारे पापड़ जो है ना वो बड़े 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 बड़े, भाई इसने ज्यादा बड़ा होने सारे गिर जाने। टोकरी भी उठा ली है, वाह जी वाह। तो चले भाई ये बनाते रहेंगे और खाते रहेंगे जी। वो दही बने हुए, वो दही बने हुए अभी बच गए, फिर तो ये बनाते रहेंगे खाते रहेंगे, हम जो है ना अपने काम को जा रहे हैं भाई। भाई पापड़ खा लूं, बन गए हाथ तो अभी नहीं धुल सकते, मम्मा को बोलो खिला दो या आप खिला दो मुझे अपने हाथ से, जाओ ले आओ। ओ हो अभी जो है ना गोलू आएगी मुझे खिलाएगी ऐसे ना,
पहले खुद खाना स्टार्ट हो गई हो। मजे के मुझे दाग दो और खिला दो। मजा आ गया गोलू, मजा आ गया। एक खिला दो। बार बार छोड़ो थोड़ा सा नमक डालती हूँ ऊपर। तो चले भैया, मैंने गोलू को भी काम लगा दिया। सुबह से बोल रही थी कुछ ना कुछ दो मैंने कलर करने, तो ये देखे। ओ भाई साहब, कैसे सिखाया मैंने, फिर से गलत कर रही हो। जाओ भैया को ले आओ, वो करेगा सही, आपको नहीं आता। हाँ ऐसे सही तरीके। चलो तो मेरे भी अल्हम्दुलिल्लाह दीवार कंप्लीट होने वाली है। सेकंड कोड यहाँ तक मैंने कर लिया, ये जगह तक, बाकी ये रहती है। तो ये भी अभी जल्दी जल्दी इंशाल्लाह करते हैं ख़त्म, और फिर मिलते हैं आपसे। आज की न्यूज़ ये कि ये बनवाया था फिर से तोड़ गए, तो अभी फिर से मिस्त्री को बुलाए। अब मैंने कहा इसके पहले 4 इंची थी, अब 13 इंची लगा दो ताकि ट्रैक्टर टूट जाए ये ना टूटे। तो चले मैं ये खुदाई कर लूँ, फिर उसके बाद मिलता हूँ आपसे। तो चलें जी, अल्हम्दुलिल्लाह अब खाना खाने का टाइम आ गया, और मुंह शू मैंने धो लिया। ये देखिए, वरना मुंह भी सारा मेरा आज जो है ना ऑयल वाला पेंट किया था, पूरा मुंह पे लगा हुआ था। तो मिट्टी का तेल थोड़ा थोड़ा ऐसे हाथ पे लगा के ना उसी जगह पे लगाया, और रब करने के बाद थोड़ा सा उतर गया। और हाथ भी कुछ ज्यादा ही खराब थे, लेकिन अब कुछ बेहतर हो गए। तो आज जो है ना हमारे पास दाल है, दाल के साथ व्हाइट चावल वाइफ ने पकाए थे, और वाइफ भी आ चुकी है, और गोलू यहाँ खड़ी हुई है। गोलू कैसी हो भाई? इन्हें कहा था तो मैंने नहीं कहा। अच्छा आपने नहीं कहा, इसने कहा, आपने कहा था भाई? हाँ नहीं इन्हें बाल करता पे ले मजे के एवन अल्हम्दुलिल्लाह। चलें जी अल्हम्दुलिल्लाह, अभी जो है ना बारिश आना स्टार्ट हो गई, और 12 का टाइम हो रहा है, और अल्हम्दुलिल्लाह मैं मस्त माहौल अंदर बैठा हुआ था, क्योंकि तबीयत मेरी ख़राब थी, कुछ थोड़ी सी टैबलेट्स वगैरह खाई हैं, और रूम की भाई रह गए काम बहुत सारा, तो सुबह ही ख़त्म होगा इंशाल्लाह। और बाकी अभी बारिश हो रही है, तो मैं बाहर देखने आया था, मैंने कहा मोटर वगैरह जो है ना वो ढकी हुई है या नहीं। और बाहर का जो हौदी थी, तीसरी दफ़ा भाई एक ही मंथ में टूट रही है, और वो इन सामने वालों की वजह से, क्योंकि अभी जो है ना उन्होंने टाइलें वगैरह सामने रख दी हैं, तो यहाँ से ट्रैक्टर ट्राली गुजर नहीं सकती, तो मेरी हौदी टूट गई। बाकी बच्चे शच्चे भी सो गए हैं अल्हम्दुलिल्लाह, कुछ इस टाइप के यहाँ सो रहे हैं, और अभी मैं उठ के गया हूँ यहाँ से। तो चलें अभी व्लॉग को एंड करते हैं, और क्या।